जय हिंद दोस्तों, मैं सचिन आप सबका स्वागत करता हूं एसडी कैंपस पर। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतर ढंग से कर भी रहे होंगे और करना भी चाहिए साथियों, क्योंकि आप सभी को पता है कि मेरे भाई दिल्ली पुलिस की परीक्षा 14 नवम्बर से शुरू हो रही है। बच्चों के मन में ये डाउट चल रहा था कि शायद ये परीक्षा पोस्टपोन्ड हो सकती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल मेरे भाई नहीं होने वाला है। बोर्ड की तरफ से एक नोटिस जारी हो चुका है कि आपकी परीक्षा 14 नवंबर से ही होगी। तो आप लोग मेरे भाई इस बचे हुए समय में किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए जिससे कि आप इस बार अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाएं। तो दोस्त आज मैं आप सभी के लिए मैथ की स्ट्रेटजी लेके हाजिर हूं कि अब जो बचा हुआ समय है सर, उसमें हम मैथ की किस तरीके से रिविजन करें, किस तरीके से हम अपने टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करें ताकि हम अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाएं और मैक्सिमम स्कोर गेन कर पाएं, क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है मेरे भाई जो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स भी दिलाएगा, राइट? चलिए, और ऐसा बच्चों ने कर दिखाया है। तो मेरे दोस्त अगर मैं बात करूं तो जो हमारा टारगेट है वो है 15 आउट ऑफ 15। क्या टारगेट है? 15 आउट ऑफ 15 का टारगेट है। आज जो वीडियो में लेके आप सभी के बीच हाजिर हूं वो वीडियो ये है कि अंतिम 10 से 12 दिनों में कैसे करें मैथ की रिवीजन। मैथ का रिवीजन आप 10 से 12 दिन में, जो बचा हुआ समय है आपका 10 से 12 दिन, उसमें आप कैसे करोगे फुल मैथ का रिवीजन। अब ख्वाब वर्दी का पूरा होगा, जी हाँ बिल्कुल होगा। जब आपने तैयारी करी है तो ख्वाब क्यों नहीं पूरा होगा, डेफिनेटली होगा। तो चलिए दोस्तों हम आपको लेके चलते हैं मैथ की स्ट्रेटजी की तरफ के किस तरीके से आपको पढ़ना होगा। मेरे भाई आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और अभी तक आपने बहुत बेहतर तरीके से तैयारी की भी है। चलिए दोस्तों अब मेरे भाई सबसे पहले तो हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि मेरे भाई जो हमारे इस एग्जाम का पैटर्न है वो क्या है। एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के होंगे, जीके करंट अफेयर जीएस के मेरे भाई 50 क्वेश्चन होंगे जो कि 50 नंबर के होंगे, मैथमेटिक्स के आपके 15 क्वेश्चन होंगे जो कि 15 नंबर के होंगे, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन 10 नंबर के होंगे। मेरे भाई तो हम आज बात करेंगे इस 50 नंबर पर हम कैसे कवरेज कर पाएंगे। समय मिलेगा आपको एग्जाम के लिए 1.5 घंटे का, राइट? चलेगा मेरे भाई। कुछ दिन पहले बोर्ड ने यह नोटिस जारी किया था कि आपका 14 नवंबर से परीक्षा शुरू हो जाएगी। अब मेरे भाई कल या परसों के दिन, यानी कि 2-3 दिन हो गए, बोर्ड ने एक नोटिस और जारी कर दिया। एसएससी जीडी की जब एग्जाम डेट आई उसी के साथ दिल्ली पुलिस की भी एग्जाम डेट आ गई कि 14 नवंबर से ही आपकी परीक्षा शुरू हो जाएगी। अब हम बात यह करेंगे कि जो अंतिम 10 से 12 दिन है हमारे में, उसमें हम क्या पढ़ें सर मैथमेटिक्स में, क्या न पढ़ें, आप इसकी फुल स्ट्रेटजी बताइए। हालांकि तैयारी सब आप ही करेंगे मेरे भाई, इसमें हम थोड़ी सी मदद ये करेंगे, एक आपको डायरेक्शन देंगे जिससे कि आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं कि स्ट्रेटजी की। तो सबसे पहले मेरे भाई आप लोग ये जानोगे कि मैथमेटिक्स के कितने चैप्टर हैं और किस तरीके से आपको रिवीजन करना है। तो सबसे पहले एक नजर में हम लोग इसके मेरे भाई सिलेबस को जान लेते हैं दिल्ली पुलिस के। चलिए अगर मैं दिल्ली पुलिस के सिलेबस का एनालिसिस करें तो भाई नंबर सिस्टम अपने आप में एक ब्रॉड टॉपिक है। नंबर सिस्टम के अंदर रिमाइंडर थ्योरम, यूनिट डिजिट, डिविजिबिलिटी रूल, ये सारे टॉपिक आते हैं, फैक्टर, फ्रैक्शन, ये सारे कहां आते हैं, नंबर सिस्टम के अंदर आते हैं। लेकिन अगर मैं नंबर सिस्टम की बात करें तो दिल्ली पुलिस की परीक्षा के लिए आपके लिए बेस्ट क्या होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्या होगा, तो आप लोग डिविजिबिलिटी रूल को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। डिविजिबिलिटी रूल आप अच्छे से पढ़ के जाइए, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ठीक है? किसी विद्यार्थी ने 2/5 से गुणा करने को कहा गया था, उसने 2/5 से भाग कर दिया, ऐसे क्वेश्चन, ठीक है? चलिए तो मेरे भाई यहां से आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहां से पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन? 2 से 3 क्वेश्चन। आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि कौन सा चैप्टर हमारे लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आ जाइए एलसीएम एचसीएफ, ये मेरे भाई चैप्टर तो है ही है लेकिन ये बेसिक कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा मदद करता है, राइट? तो अगर मैं इसकी बात करें एलसीएम एचसीएफ की तो भाई यहां से एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। कितना क्वेश्चन? 1 क्वेश्चन। मेरे दोस्त यहां वेटेज आपको भले ही एलसीएम एचसीएफ का कम लग रहा है लेकिन एलसीएम एचसीएफ आपकी कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, राइट? आगे बढ़ेंगे तो सिंपलीफिकेशन से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मेरे दोस्त। अगर हम बात करें रेशियो प्रोपोर्शन की तो कभी कभी तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी नहीं भी पूछा जाता है। पिछली बार 2020 में दिल्ली पुलिस की परीक्षा हुई 2020 में, उसमें कितने शिफ्ट में पेपर हुआ दोस्तों? उसमें 39 शिफ्ट में पेपर हुआ। कितने शिफ्ट में पेपर हुआ? 39 शिफ्ट में। और उस 39 शिफ्ट में रेशियो प्रोपोर्शन के लगभग 3 से 4 सवाल पूछे गए। किसमें दोस्तों? टोटल 39 शिफ्टों में 3 से 4 क्वेश्चन मात्र आपको रेशियो प्रोपोर्शन के देखने को मिले। तो बताइए इसका वेटेज एक तरीके से नगण्य है। कभी कभी एक सवाल आपको आपके शिफ्ट में देखने को मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, ठीक है? चलिए मेरे दोस्त अब हम बढ़ेंगे इसी प्रकार से पार्टनरशिप में। तो पार्टनरशिप में दिल्ली पुलिस की 2020 की शिफ्ट के अनुसार 2020 में 39 शिफ्ट हुई, उसमें लगभग मेरे भाई 3 क्वेश्चन देखने को मिले गए। पूरे 39 शिफ्ट में 3 क्वेश्चन, ठीक है?
ठीक है, तो बहुत बड़ा वेटेज नहीं है, सो ये आप नगण्य मान के चलिएगा। ठीक है, अगर मैं मिक्सचर एलिगेशन की बात करें तो एक क्वेश्चन यहां से आपको परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको कहां से मिलेगा, मिक्सचर एंड एलिगेशन से, राइट। बहुत अच्छे से एनालिसिस किया गया है मेरे दोस्त, तब मैं आप सभी के लिए ये वीडियो लेके आया हूं। आ जाइए अब मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ोगे तो टाइम एंड वर्क, यहां से एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, यहां से आपका एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर मैं टाइम एंड वर्क की बात करें तो टाइम एंड वर्क दो सेक्शनों में डिवाइड है, एक टाइम एंड वर्क स्वयं है और एक वर्क एंड वेजेज है जिसे हम कार्य और मजदूरी कहते हैं। तो यहां से एक क्वेश्चन हमारा बन जाता है, राइट। अगर मैं पाइप एंड सिस्टम की बात करें तो यह भी दोस्त आपका बहुत ज्यादा वेटेज नहीं रखने वाला है। पिछली बार 39 शिफ्टों में इसके भी 2 से 3 सवाल मात्र पूछे गए, टोटल 39 शिफ्टों में 2 से 3 सवाल मात्र, हां, तो इसे भी आप नगण्य मान के चलिएगा। हो सकता है कि आपका क्वेश्चन आ भी जाए और हो सकता नहीं भी आए, ठीक है, लेकिन आप इसको अच्छे से मेरे भाई रिवाइज करके जाएंगे। कैसे पढ़ के जाएंगे अभी मैं बताऊंगा, मात्र एक बार हम जो नजर मेरे भाई डाल रहे हैं वो किस पर डाल रहे हैं, सिलेबस पर। आ जाइए, टाइम स्पीड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन आपको पक्का पूछा जाएगा, ठीक है। नाव धारा का भी मेरे भाई वेटेज नगण्य के समान है, कभी कभी एक क्वेश्चन बन भी सकता है, कभी नहीं भी बन सकता है, ठीक है। चलिए, परसेंटेज, इसे हम फादर ऑफ अर्थमेटिक भी कहते हैं, जो परसेंटेज है इसे फादर ऑफ अर्थमेटिक भी कहते हैं, क्योंकि दोस्त इस परसेंटेज पर 4 चैप्टर टिके हुए, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सीआई, एसआई, डिस्काउंट, ये सारे चैप्टर परसेंटेज पर टिके हुए मेरे दोस्त। यहां से आपको 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे, हर शिफ्ट में, यानी कि आपकी परीक्षा में कम से कम 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, कहां से, परसेंटेज से मेरे दोस्त। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है मेरे भाई। उसके बाद प्रॉफिट लॉस से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 1 से 2 क्वेश्चन पक्का आपकी शिफ्ट में आपको देखने को मिलेंगे। डिस्काउंट की भी मेरे भाई हालत यही है, पूरी 39 शिफ्ट हुई उसमें से 5 से 6 सवाल हमें देखने को मिले, 39 शिफ्टों में 5 से 6 सवाल हमें डिस्काउंट के देखने को मिले थे, ठीक है। चलिएगा, उसके बाद हम बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट की। तो सिंपल इंटरेस्ट से दोस्तों आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसी प्रकार कंपाउंड इंटरेस्ट से दोस्त 1 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, एवरेज से भी आपको 1 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं दोस्त मेंसुरेशन की। तो मेंसुरेशन अपने आप में एक ब्रॉड टॉपिक है ये भी, ठीक है। अगर मैं मेंसुरेशन की बात करें दोस्त, तो मेंसुरेशन में भाई 2 सवाल के करीब आपको देखने को मिलेंगे 2D से, किससे, 2D से। मेंसुरेशन 2 भागों में डिवाइड होता है, 2D और 3D। तो भाई 3D से एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, एक क्वेश्चन हो सकता है आपको 3D से देखने को मिले, और 2 क्वेश्चन आपको मेरे भाई कहां से देखने को मिलेंगे, 2D से। तो दोस्त आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि किस चैप्टर का कितना अच्छा खासा वेटेज है, राइट। आपने बहुत अच्छे तरीके से अपने मेरे भाई सिलेबस का एनालिसिस कर लिया। आ जाइए, अब आपको सबसे ज्यादा किस चैप्टर को ध्यान में रखना है और किसको आप छोड़ सकते हो, राइट। चलिए मेरे दोस्त, अगर अभी तक मेरे दोस्त आपने पार्टनरशिप नहीं पढ़ा है तो इसे आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आप इन सारे चैप्टरों को ध्यान से पढ़िएगा, नंबर सिस्टम हुआ, एलसीएम एचसीएफ हुआ, सिंप्लीफिकेशन हुआ मेरे भाई, रेशियो एंड प्रोपोर्शन को भी आप छोड़ सकते हैं अगर आप तक अभी तक नहीं पढ़ा है। और अगर पढ़ा है तो कौन से क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा मेरे भाई, अगर मैं पढ़ा है मेरे दोस्त तो आप लोग एक बार किसको नजर डाल के जाएंगे रेशियो प्रोपोर्शन में, जो मेरे भाई फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछा जाता है, आपसे मिड प्रोपोर्शन पूछ लिया जाता है, आपसे थर्ड प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, या दोस्त आपके मेरे भाई जैसे ABCD में कोई राशि बांटी जाती है ऐसे क्वेश्चन, राइट, ये वाला केवल पढ़ के जाइएगा इसमें, राइट। और ज्यादा आपको मेरे भाई इसमें रिवीजन नहीं करनी है। पार्टनरशिप अगर पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो इसे छोड़ सकते हो, कोई इशू नहीं है। मिक्सचर एलिगेशन को आप अच्छे से रिवाइज करके जाइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, इसी प्रकार से आप टाइम एंड वर्क को अच्छे से पढ़ के जाओगे, टाइम एंड वर्क के थ्रू आप पाइप एंड सिस्टम को भी बना लोगे, इससे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता, नहीं भी पूछा जाएगा, ठीक है। आप टाइम स्पीड डिस्टेंस को अच्छे से पढ़ के जाएंगे मेरे भाई, बोट एंड स्टीम मत पढ़ के जाइए, तब भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि एक सवाल पूछा भी जाएगा, नहीं भी पूछा जा सकता है। तो सिंपल आप चीज पढ़ के जाएंगे, धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट आप एक नजर में इसको देखे जाएंगे। परसेंटेज को डिटेल से पढ़ के जाएंगे, चाहे वो आपका पॉपुलेशन बेस्ड हो, चाहे इलेक्शन बेस्ड हो, चाहे कमीशन बेस्ड हो, चाहे आपका मेरे भाई आपका सक्सेसिव हो, ठीक है, हर एक को अच्छे से पढ़ के जाएंगे। इसी प्रकार से आप प्रॉफिट लॉस को अच्छे से पढ़ के जाएंगे, प्रॉफिट लॉस जब आपका क्लियर हो जाएगा तो आपका डिस्काउंट ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अच्छे से रिवीजन करके जाइए, एवरेज का एक क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलेगा मेरे भाई, और मेंसुरेशन को अच्छे से रिवाइज करके जाइएगा। और मेंसुरेशन में खास करके दोस्त ट्राइंगल वाले क्वेश्चन और रोहम्बस वाले क्वेश्चन, यानी कि क्वाड्रिलेटरल जिसे हम चतुर्भुज कहते हैं, चतुर्भुज में दोस्तों रोहम्बस को मेरे भाई जरूर पढ़ के जाइएगा। चतुर्भुज में अगर 3D की बात करें तो इसमें रोम्बस जरूर पढ़ के जाइएगा, रोम्बस की प्रॉपर्टी जरूर पढ़ के जाइएगा, और इसमें दोस्त आप ट्राइंगल पढ़ के जाइएगा। ट्राइंगल में दोस्त आपको मेरे भाई ट्रिपलेट अच्छे से समझनी है, ठीक है। तो ये आपके कुछ चैप्टर हैं जो मैंने दोस्त आपको बताए हैं किस तरीके से मेरे भाई आपको रिवीजन करनी है। आ जाइए अब मैं आपको बताता हूं रिवीजन कैसे करनी है। तो दोस्त अब आपको वो काम करना है जो आपसे नहीं हो पा रहा है, यानी कि मेरे भाई देखिएगा आप क्या करेंगे, अब इस समय जब आप अपने चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करेंगे, कोशिश
करेंगे कि डेली आप दो चैप्टर की प्रैक्टिस करें। और ऐसे नहीं करनी है प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, जिस क्वेश्चन को आप मेरे भाई क्विकली बना लेते हो, जिसके कॉन्सेप्ट आपके 100% क्लियर हैं, उन क्वेश्चनों को आप ज्यादा रिवाइज मत करिएगा मेरे दोस्त। जो क्वेश्चन आप अच्छे से बना लेते हो, आपको लगता है इस टाइप का क्वेश्चन हमसे कभी गलत नहीं होता है, उस क्वेश्चन को मेरे भाई आप रफली देख लीजिएगा, उस पर ज्यादा समय वेस्ट मत करिएगा। डेली टारगेट करिए कि दो चैप्टर आप लोग बनाएंगे, कितने चैप्टर, दो चैप्टर, और अपनी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग तीन भी बना सकते हैं तो बना लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर आप डेली दो चैप्टर बनाओगे दोस्त, तो आपको वो क्वेश्चन देखने हैं जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे उनके कॉन्सेप्ट को देखिएगा। अभी तक अगर आपने तैयारी की है तो आपने नोटबुक भी बनाई होगी, और उस नोटबुक में वो प्रश्न देखिएगा जो आपसे नहीं बन पा रहे, उन पर मेरे भाई ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करिए और उनकी प्रैक्टिस करिए, यानी कि किसी भी बुक से उसके उसी टाइप के सवाल ज्यादा से ज्यादा लगाने की कोशिश करिए। टारगेट ये करिए कि डेली दो चैप्टर इस तरीके से फिनिश करें। मेरे भाई टोटल मैंने आपके सामने कितने चैप्टर लिखे हैं यहां, 17 और 18 चैप्टर के करीब हैं। मैंने एक चैप्टर को नंबर सिस्टम में डाल दिया, क्या आपका सर्स एंड डाइसिस, ठीक है, वो मैंने नंबर सिस्टम में डाल दिया, राइट, चलेगा। तो मेरे दोस्त अगर मैं बात करूं तो आपके 18 चैप्टर हैं, 9 दिन का समय लगेगा अगर आप डेली दो दो मेरे भाई चैप्टर निपटाओगे, लेकिन एक एफिशिएंसी के साथ और एक एक्यूरेसी के साथ, तीनों चीजों पे आपको काम करना है, टाइम, स्पीड और एक्यूरेसी। मेरे भाई किस पर, स्पीड, एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट, तीनों पर आपको काम करना है, ठीक है। चलिए, वो क्वेश्चन आप मेरे भाई देखेगा जो आप नहीं बना पाते हैं, जिनको आप स्किप करते हैं, उन क्वेश्चनों पर सबसे ज्यादा ध्यान देंगे, ठीक है, उन्हीं का रिविजन करेंगे, ताकि दोस्त आपका जो ज्यादा मेरे भाई जो क्वेश्चन बना लेते हैं उनका वेटेज बढ़ पाए, उनका वेटेज बढ़ता जाएगा, जो आपके कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन है वो आपके खत्म होते चले जाएंगे इसी प्रकार से, ठीक है। चलिए, आप मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा, मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा मेरे भाई। आप दो चैप्टर तो मैथ के डेली लगाओगे ही लगाओगे, उनका रिवीजन करोगे ही करोगे अपनी नोटबुक के अकॉर्डिंग, ठीक है। आप अपनी किसी भी बुक से प्रैक्टिस करोगे, आप अपनी नोटबुक में सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करोगे और किसी भी बुक से एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करोगे दो चैप्टर की, ठीक है, वो क्वेश्चन जो आपसे नहीं बनते। फिर आप डेली एक मॉक भी दीजिए, फुल मॉक आपको देना है, फुल मॉक जिसमें मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश सब हो, आपकी मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, हिंदी तो आती नहीं ना इंग्लिश आती है, इसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, कंप्यूटर, आपका सारा यानी कि पूरा कंप्लीट फुल मॉक आपको देना है। और मैथ के जो क्वेश्चन आपसे छूट जाए उस चैप्टर के उन कॉन्सेप्ट को बारीकी से समझिए, एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। कोई भी आपका पेपर हो उसको मेरे भाई एनालिसिस जरूर करिए, कोशिश ये करिए कि डेली एक मॉक दें और उसका एनालिसिस अच्छे से करें, ऐसे ही नहीं रफली करें भाई, एनालिसिस अच्छे से करें और उसमें यह देखें किस टाइप के क्वेश्चन हमसे नहीं बन पा रहे, उनको ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करें, तो डेफिनेटली आपकी एक्यूरेसी भी मेंटेन होगी, आपका टाइम मैनेजमेंट भी मेरे भाई इंप्रूव होगा, आपकी सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से इंप्रूव हो जाएंगी, आपकी एक्यूरेसी, आपका टाइम मैनेजमेंट, आपकी स्पीड, तीनों चीजें इंप्रूव हो जाएंगी। अगर ये तीन चीजें इंप्रूव हो गई तो डेफिनेटली आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाओगे। तो वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया हो तो दिल से लाइक करिएगा और अपने यार दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लग जाइए, जुड़ जाइए, अब आपका जो वर्दी का ख्वाब है वो जरूर ही पूरा होगा। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, टेक केयर, अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।